हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 का चौथी हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्जिलिक अम्ल चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो पहले इसमें एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाया जा रहा है। तो एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में आइए देखते हैं, इनके रासायनिक अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं, ध्यान से समझें। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में सीओ ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, चाहे एल्डिहाइड आप लें चाहे कीटोन लें, एल्डिहाइड का सूत्र RCOH होता है, जबकि कीटोन का सूत्र RCOR- ठीक है, या फिर RCOR होता है। ठीक है, या R समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। ठीक है, सी डबल बंद ओ समूह जो है, कार्बोनिल समूह जो है, यह दोनों में पाया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अतः ये एक समान रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह विद्यमान है, उपस्थित है, अतः ये दोनों एक समान रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर एक, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन में किसका, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के बारे में देखा, ध्यान से। एल्कीनों में जैसे इलेक्ट्रॉन रागी योगज अभिक्रिया देखी जाती है। एल्कीन कौन सी अभिक्रिया करते हैं, एल्कीन जो है वह इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, योगज अभिक्रिया करते हैं। ठीक उसके विपरीत एल्डिहाइड और कीटोन जो है नाभिक रागी योगज अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एल्कीन जो है इलेक्ट्रॉन रागी योगज अभिक्रिया दिखाते हैं, जबकि ठीक उसके विपरीत एल्डिहाइड कीटोन जो है वे नाभिक रागी योगज अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसके पहले भाग को देखते हैं, समझते हैं इसको। नंबर एक, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया कैसे होती है, इसके क्रियाविधि के बारे में समझते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखें, यह आपका कार्बोनिल समूह है CO, कार्बन जो है वह जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन पर आंशिक माइनस चार्ज, यह इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, आंशिक माइनस चार्ज, और कार्बन पे आंशिक प्लस चार्ज। ठीक है, तो कार्बन पे आंशिक प्लस चार्ज आ चुका है, अब इस प्लस पर अटैक कौन करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, माइनस अटैक करेगा किस पर, प्लस पे, प्लस मीन्स यहाँ पे नाभिक रागी के रूप में कार्बन जो है नाभिक रागी है। ठीक है, कार्बन प्लस है इस पर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इस पर प्लस है, तो इस पर कौन अटैक करेगा, जहाँ जिस जो प्लस पे अटैक करता हो, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात नाभिक रागी, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह अटैक करेंगे कार्बन पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो कार्बन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यह क्या है, नाभिक रागी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वह समतली होता है। कार्बन की अगर संकरण देखा जाए तो कार्बन का संकरण इस समय, कार्बन के पास तीन सिग्मा बंध हैं, संकरण है sp2। ठीक है, sp2 संकरण है, लेकिन ज्यों ही नाभिक रागी इससे आके जुड़ता है, यह चरण मंद होता है, स्लो होता है, जुड़ने के कारण इसका संकरण बदल जाता है, यह संकरण हो जाता है sp3। ठीक है, अब इसके पास चार सिग्मा बंद हो जाते हैं और संकरण जो है sp3 हो जाता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है अब चतुष्फलकी मध्यवर्ती बन जाता है। मध्यवर्ती कैसा बन जाता है, चतुष्फलकी बन जाता है, और स्टार्ट में कैसा होता है, समतली होता है। ठीक है, तो शुरू में जो स्ट्रक्चर है वह समतली होता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी के जुड़ने के कारण इसका स्ट्रक्चर चतुष्फलकी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में, चरण दो में जो तीव्र होती है, ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन, ठीक है, माध्यम से एक प्रोटॉन आता है, और वह प्रोटॉन जो है आकर इससे जुड़ जाता है। तो जो ऑक्सीजन पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, वह H+ के जुड़ने के कारण समाप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यह H+ जो है माध्यम से एक प्रोटॉन जो है आकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है,
और इस तरह से आपका एक योगज उत्पाद बन जाता है। ठीक है, तो नाभिक रागी अभिक्रिया की क्रियाविधि देखें, ध्यान से समझें। पहले क्या होता है इसमें, आप देख रहे हैं कि नाभिक रागी ध्रुवीय, नाभिक रागी जो होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, वह ध्रुवी कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकरित कक्षकों के तल में लगभग लंब पर होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, वह ध्रुवित हो चुका है। कार्बन और ऑक्सीजन का बंध क्या हो चुका है, ध्रुवित हो चुका है। तो नाभिक रागी जो है वह ध्रुवित कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करता है। नाभिक रागी किस पर आक्रमण करता है, तो नाभिक रागी जो है वह ध्रुवित कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर आक्रमण करता है। और यह आक्रमण किस दिशा से करेगा, यह नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर आक्रमण उस दिशा से करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकरित कक्षक के तल के लगभग लंब पर होता है। कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकरित कक्षक के तल के लगभग लंब पर होता है, उधर से जो है यह नाभिक रागी आक्रमण करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में कार्बन की जो संकरण अवस्था है वह sp2 से बदलकर sp3 हो जाती है। ठीक है, और इसकी संरचना जो है समतली से चतुष्फल की हो जाती है और एल्काक्साइड मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, इसके कारण क्या बनता है, एल्काक्साइड मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, यह मध्यवर्ती अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन प्राप्त करता है। यह मध्यवर्ती अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन प्राप्त करके विद्युत उदासीन उत्पाद देता है। ठीक है, इस तरह से विद्युत उदासीन उत्पाद बन जाता है। ठीक है, कुल परिणाम कार्बन ऑक्सीजन द्वि आबंध पर, ठीक है, कुल रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट यह हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन द्वि आबंध पर न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन आयन का योगास होता है। कार्बन पर क्या हो गया, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दो बंध था वह समाप्त हो जाता है और कार्बन पर कौन आके जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और हाइड्रोजन आयन आके जुड़ जाता है, इन दोनों का एडिशन होता है। ठीक है, तो यह था पहला आपका नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में। इसमें आपने देखा कि नाभिक रागी ध्रुवी कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकरित कक्षक के तल के लगभग लंब पर होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में कार्बन की संकरण अवस्था sp2 से sp3 हो जाती है तथा चतुष्फलकीय एल्काक्साइड मध्यवर्ती बनता है। यह मध्यवर्ती अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन प्राप्त करके विद्युत उदासीन उत्पाद देता है। कुल परिणाम कार्बन ऑक्सीजन द्वि आबंध पर नाभिक रागी और हाइड्रोजन आयन का योगास होता है, जैसा कि आपने फिगर में देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रियाशीलता के बारे में, इसकी अभिक्रियाशीलता कैसी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और त्रिविम प्रभावों के कारण नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो अगर नाभिक रागी योगज अभिक्रिया देखा जाए तो नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड होते हैं वे कीटोन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और त्रिविम प्रभाव के कारण नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में एल्डिहाइड जो हैं वे कीटोन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, त्रिविम रूप से नाभिक रागी के कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने में कीटोन में उपस्थित दो सापेक्षिक बड़े प्रतिस्थापी समूह एल्डिहाइडों की अपेक्षा अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिनमें केवल एक ही ऐसा प्रतिस्थापी उपस्थित होता है। तो अगर इसमें देखा जाए कि जब इस कार्बन पे नाभिक रागी जुड़ने आएगा तो एल्डिहाइड में केवल एक ही आर ग्रुप है। ठीक है, जबकि कीटोन में दो आर ग्रुप हैं, दो बड़े आर ग्रुप हैं जो नाभिक रागी को जुड़ने के लिए जगह नहीं दे पाएंगे। ठीक है, दो आर ग्रुप होने के कारण कीटोन में आसानी से नाभिक रागी आके जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसको जगह नहीं मिल पाएगा। ठीक है,
लेकिन एल्डिहाइड में केवल एक ही R ग्रुप होता है, अतः इसमें नाभिक रागी आसानी से आकर जुड़ सकता है। तो नाभिक रागी योजव क्रिया जो है वह एल्डिहाइड ठीक है ज़्यादा मात्रा में दिखाते हैं, जबकि कीटोन बहुत कम मात्रा में दिखाते हैं, क्योंकि कीटोन के पास दो R ग्रुप जुड़े होते हैं और यह बाधा उत्पन्न करते हैं, रास्ते को रोकते हैं नाभिक रागी के जुड़ने के, जबकि एल्डिहाइड में केवल एक ही R ग्रुप होता है और यह रास्ता मिल जाता है नाभिक रागी जिससे कार्बन से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि वह त्रिविम प्रभाव है, बाधा उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभाव के कारण। नाभिक रागी योगजव क्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिविम रूप से नाभिक रागी के कार्बोनिल कार्बन तक पहुँचने में कीटोन में उपस्थित दो सापेक्षिक बड़े प्रतिस्थापी समूह एल्डिहाइड की अपेक्षा अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कीटोन में यह दो जो समूह हैं यह एल्डिहाइड की तुलना में ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे नाभिक रागी को जुड़ने के लिए। ठीक है, जिनमें केवल एक ही ऐसा प्रतिस्थापित होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से देखा जाए तो एल्डिहाइड जो हैं वह कीटोन से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन में उपस्थित दो एल्किल समूह कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति को एल्डिहाइड की तुलना में कम कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप से देखा जाए या फिर त्रिविम प्रभाव के कारण देखा जाए, एल्डिहाइड जो होते हैं वे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जबकि कीटोन जो हैं उनकी तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, क्योंकि कीटोन के पास दो R ग्रुप जुड़े होते हैं और वह नाभिक रागी को जुड़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि एल्डिहाइड के पास केवल एक ही R ग्रुप होता है और इससे नाभिक रागी आसानी से जुड़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, क्योंकि कीटोन में उपस्थित दो एल्किल समूह कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति को एल्डिहाइड की तुलना में कम कर देते हैं। ठीक है, इसके पास दो R ग्रुप है तो यह जो है इसके पास केवल एक ही ग्रुप है। ठीक है, तो यह जो है इसके जो प्लस इस पर उत्पन्न होगा उसको यह समाप्त करने में ज़्यादा सहयोग करेंगे दो R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के कारण, जबकि एल्डिहाइड में केवल एक ही R ग्रुप है, अगर इसके प्लस प्रभाव को बहुत कम ही खत्म हो पाएगा, अतः यह एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है बहुत तेज़ी से दिखाएगा। किसकी तुलना में? कीटोन की तुलना में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा नाभिक रागी योगजव क्रिया, जिसमें पहले हमने आपको बताया नाभिक रागी योगजव क्रिया की क्रियाविधि के बारे में और फिर उसके अभिक्रियाशीलता के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे नाभिक रागी योगज और नाभिक रागी योगज विलोपन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण के बारे में। थैंक यू।